खबर दुमका से है, जहां बीजेपी नेता भागवत राउत की हत्या के मुख्य आरोपी पप्पू राउत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 मई को भागवत राउत की हत्या हुई थी। पुलिस बाकी के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी। इस मामले में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी संज्ञान लिया था और उन्होंने डीजीपी को दोषियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे। और जी मीडिया संवाददाता सुबीर चटर्जी हमारे साथ जुड़ गए हैं इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। उनसे जानकारी लेते हैं, सुबीर क्या जानकारी मिल पा रही है इस खबर पर? जी देखिए, जो 3 मई को भागवत राउत में हुई थी, उस मामले पे जो है लगातार दबिश था पुलिस के ऊपर। तो पुलिस जो FIR दर्ज हुआ था उसमें 7 लोगों पे FIR दर्ज हुआ था, जिसमें 2 मुख्य आरोपी बनाए गए थे, एक पप्पू राउत और एक नारायण हाड़े, जिसमें से कल पुलिस ने 7 अभियुक्त में से 2 अभियुक्त को कल गिरफ्तारी कर लिया था। और आज जो मुख्य अभियुक्त है पप्पू राउत, उसकी सुबह पुलिस ने गिरफ्तारी उसके घर से की है, जो एक बड़ी सफलता माना जा सकता है पुलिस के लिए। बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे इस जानकारी के लिए। तो पहले भी 2 लोगों को गिरफ्तार किया पुलिस ने और अब आज एक मुख्य आरोपी पप्पू राउत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 मई को भागवत राउत की हत्या हुई थी।